ये है मैंगो सैंडविच, मैंगो और हंकड़ के सैंडविच। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसे हमें ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। इसमें हमारे पास दही भी चला जाता है पेट में, और फ्रूट भी चला जाता है सुबह के टाइम का, और ब्रेड भी चली जाती है। तो ये तो बहुत ही हेल्दी सैंडविच हुआ। चलिए इसे बनाते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह से बने हैं। नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सैंडविच जो शायद ही किसी ने खाया होगा, तो आपको भी मैं सिखाती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी सैंडविच है। ज्यादातर लोग वेजिटेबल सैंडविच ही बनाते हैं, क्रीम डाल के कुछ डाल के, बट मैं बना रही हूँ आज थोड़ा स्वीट वाला सैंडविच, क्रंची भी और थोड़ा सा जूसी टाइप भी। तो मैंने लिया है ये हंकड़, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था दही को कटोरी में डाल करके, ताकि इसका पानी निकल जाए। तो ये हंकड़ मैंने रेडी करके रख लिया है, और साथ में मुझे चाहिए होगा, आज का सीजनल फ्रूट है मैंगो, तो मैंगो की मैंने प्यूरी कर ली है। और इसके साथ मुझे चाहिए होगी थोड़ी सी म्यूसली नट्स वाली, तो ये मैं लूंगी। तो मैं डालूंगी एक बाउल में, मैंने एक ही पीस बनाना है, तो मैं थोड़ी सी हंकड़ लूंगी इसमें और थोड़ा सा मिलाऊंगी मैंगो प्यूरी। आप इसको ज्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको जितना मीठा रखना उसके हिसाब से मिला सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे म्यूसली। आप इसमें नट्स और भी मिला सकते हो, मुझे 2 चम्मच ही मिलानी है ताकि इसमें क्रंच आ जाए। मेरे पास ये मिक्स सीड हैं, ये भी मैं थोड़े से मिला लूंगी, इससे भी बहुत क्रंचीनेस आ जाती है। मिक्स करेंगे। अब हम इस ब्रेड के ऊपर ये स्प्रेड पूरा लगाएंगे। अगर आपको ब्रेड को रोस्ट करना है तो आप रोस्ट भी कर सकते हैं, रोस्ट करके आप ठंडा कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर लगाएं। मैं इसमें कच्चे में ही लगाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से लगेंगे, और मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए मैंगो के थोड़े से टुकड़े भी लगा दिए हैं। इसके ऊपर एक लेयर और लगाऊंगी, इसके ऊपर एक लेयर और मैंने लगा दी है क्रीम वाली। इसके ऊपर लगाएंगे हम एक पीस ब्रेड का, थोड़ा सा दबाएंगे। मेरा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गया है, और मैंने इसके साथ डिप तैयार की है, जो हंकर्ड था और मैंगो की प्यूरी थी, उससे दोनों को मिक्स कर लिया और इसमें डाल दिया है मैंने। अगर आप मीठा खाना चाहते हो और ज्यादा, तो इसमें आप हनी मिला सकते हो, चॉकलेट सॉस मिला सकते हो, बट मुझे ज्यादा मीठा नहीं खाना था तो मैंने इस टाइप का बनाया। ये देखिए कितने अच्छे सैंडविच बने हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये। ये देखिए, अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि किसी ने नहीं खाया होगा इस टाइप का सैंडविच, किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। अगर किया है तो भी बताइएगा, और इसे जरूर देखिएगा और बनाकर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।